हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास में आपको स्वागत करता हूँ। लास्ट टाइम लोगों ने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। आज का टॉपिक हमारा कंपटीशन ऑफ FI, दैट मीन फिटनेस इंडेक्स ऑफ हार्डवर्क स्टेप टेस्ट, ठीक है। देखते हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसकी, ठीक है, वो देखेंगे आज हम लोग। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हार्डवर्क स्टेप टेस्ट क्या है, उसका फार्मूला क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है। आज मैं आपको उसको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट आपका कंपटीशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स ऑफ हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट, ठीक है। देखेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ द फिटनेस इंडेक्स स्कोर, दैट मीन क्या है आपका, दैट मीन इसका मतलब है आपका जो फिटनेस इंडेक्स स्कोर है इसकी गणना हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। द एथलीट्स फिटनेस इंडेक्स स्कोर इज कैलकुलेटेड विद टू द हेल्प ऑफ टू फार्मूलाज, दैट मीन एथलीट की फिटनेस इंडेक्स स्कोर करने की दो फार्मूलों की मदद से किया जा सकता है। जो एथलीट की जो हम लोग एथलीट का फिटनेस इंडेक्स स्कोर है तो हम लोग दो फार्मूलों की से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा फिटनेस इंडेक्स स्कोर, ये लॉन्ग टर्म है, जैसे मीन लंबी अवधि के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड, दैट मीन परीक्षण की अवधि, डिवाइड बाई 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन रिकवरी पीरियड, दैट मीन रिकवरी पीरियड जो 3 टाइम्स के आपके होंगे वो रिकवरी पीरियड हम लोग ले लेंगे, और जो हमारा जो हार्ट बीट जो हमारी धड़कन है उसका योग, ठीक है, 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन रिकवरी पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला का है हमारा, क्या है हमारा फिटनेस इंडेक्स स्कोर, दैट मीन शॉर्ट टर्म में इसमें क्या है अल्प अवधि इसकी क्या होती है। इसका फार्मूला आपका 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड, आपके यहाँ पे 100 इंटू है, 100 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड से, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे इसको 5 इंटू 5 इंटू 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट आफ्टर एक्सरसाइज, दैट मीन जो हमारी 100 को हम लोग 100 इंटू परीक्षण अवधि और उसको हम लोग भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे व्यायाम के बाद जो 1 से 1.5 मिनट के बीच में जो भी आपके हार्ट बीट आई होगी, ठीक है, जो भी एक्सरसाइज हुआ होगा उसको, एंड उसके बाद हम लोग उसको इंटू कर देंगे 5.5, ठीक है, और नाड़ी की गणना करेंगे इसमें हम लोग, ठीक है, पल्स को हम लोग काउंट करेंगे इसमें 5.5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसे, जो हम लोग पल्स को काउंट करेंगे 1 इंटू 1.5 के बीच में जितनी भी पल्स आएगी उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5.5 से, ठीक है। आगे देखिए हम लोग, हेयर द फिटनेस इंडेक्स स्कोर इज कैलकुलेटेड विद शॉर्ट टर्म फार्मूला, दैट मीन फिटनेस इंडेक्स स्कोर की गणना अल्पकालिक फार्मूला के साथ की जाती है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया है जिससे आप लोग कन्फ्यूज ना हो फार्मूला से, ठीक है, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल करा दे रहा हूँ। इट द टोटल नंबर ऑफ द टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ अ गर्ल वाज 300 सेकेंड एंड द नंबर ऑफ पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट्स वाज 80, देन हर फिटनेस इंडेक्स स्कोर विल बी, दैट मीन यह एक लड़की की परीक्षण अवधि की कुल संख्या 300 सेकंड की थी और 1 से 1.5 मिनट के बीच पल्स की संख्या 80 थी, फिर उसका फिटनेस इंडेक्स क्या होगा, ठीक है, आपको बताना है फिटनेस स्कोर क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें फार्मूला लगा देंगे शॉर्ट टर्म का, FI स्कोर शॉर्ट टर्म इज इक्वल टू 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड डिवाइड बाई 5.5 मल्टीप्लाई पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट आफ्टर एक्सरसाइज। तो हम लोग फर्स्ट करेंगे इसमें 100 इंटू हमारा सेकंड कितना आया है, टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकंड कितना है 300 है, इसमें हम डिवाइड कर देंगे 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन कितनी है आपकी 1 to 1.5 में कितनी पल्स आई है आपकी 80 आई है, तो हम 80 यहाँ पे फिल कर देंगे इज इक्वल टू आपका 100 से आपको आप 300 मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आ जाएगा 30,000, और 5 इंटू 5 इंटू 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से तो हमारा कितना आ जाएगा 440 इक्वल टू हम लोग डिवाइड कर देंगे 440 को हम लोग डिवाइड करेंगे 30,000 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 68.18 ठीक है। इट मीन्स हर फिटनेस इज ऑन एवरेज, दैट मीन इसका मतलब है कि उसकी फिटनेस औसतन है। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा आप जब फिटनेस इंडेक्स स्कोर की टेबल देखेंगे। ये टेबल में आपको क्या है आपको दिया हुआ है, फर्स्ट आपको दिया हुआ मेल, ठीक है, अगर एक्सीलेंट है तो वह 90.0 से और मेल होगा, ठीक है, और फीमेल
86.0 होगा, ठीक है, एक्सीलेंट। अगर वो एवरेज है, ठीक है, अगर वो एवरेज है तो 80.0 से 90 के बीच में होगा मेल्स, और 76.0 से 85.9 ये होगा फीमेल, ठीक है। तो ये आपका था 76.0 to 85.9, ये आपका गुड या अबव एवरेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपार हमारा है 65.0 to 79.9, ये आपका मेल हो जाएगा, ठीक है, और फीमेल में होगा आपका 61.0 to 75.9, ये आपका एवरेज होगा। तो आपका जो ये क्वेश्चन था इसमें आपका आया था एवरेज, तो इसे फीमेल क्या है, एवरेज है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे, 55.0 to 64.9, और फीमेल में हो जाएगा 50.0 to 60.9, ये आपका बिलो एवरेज होगा, एवरेज से नीचे चला जाएगा, ठीक है। आपका सबसे पुअर कौन सा होता है, मेल होता है 55, और फीमेल होता है 50 से कम हो, और मेल 55 से कम हो, ये आपका पुअर हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट आप मुझसे दोबारा क्लियर कीजिएगा, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है, आपको सॉल्व कर लीजिएगा। इफ द टोटल नंबर ऑफ द टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ गर्ल्स वाज 2250, ठीक है, सेकेंड्स, एंड द नंबर ऑफ पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट्स वाज 60, देन हर फिटनेस इंडेक्स स्कोर विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अ फार्मूला ऑफ फिटनेस इंडेक्स टेस्ट। आपको फिटनेस इंडेक्स टेस्ट का फार्मूला लिखना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल आपके में आएगा जरूर, तो आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।